दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। प्रारंभिक वर्षा के दौर में ही पूरनपुरा क्षेत्र के लोगों के घरों में घुसा पानी, रहवासी हो रहे हैं परेशान। 4 साल से है मुसीबत में। सिटी कोतवाली पुलिस की सक्रियता के चलते रात्रि गश्त के दौरान अवैध शराब विक्रेता सहित अन्य आरोपियों को धरा गया। हुई कानूनी कार्यवाही, टीआई ने दी जानकारी। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पर हुआ पहली वर्षा का खास असर। स्कूल में पानी तो भरा ही, कक्षा में नहीं बैठ सके विद्यार्थी। प्रारंभिक दौर में ही वर्षा के कारण पूरनपुरा गली नंबर 4 के रहवासियों के घरों में बारिश का पानी घरों में जा रहा है। रहवासियों ने बताया कि कॉलोनी संचालक द्वारा बाउंड्री वाल खड़ी कर दी गई है, इसी कारण पानी लोगों के घरों में जा रहा है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही। पिछले 4 सालों से शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। फूल भाई कहाँ रहती हैं आप? पूरनपुरा। कौन से स्थान है जी? सनी मंदिर। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? पानी भरा रहा। तो कब से भरा? क्या अभी तो पहली बरसात हुई है और आगे क्या दिक्कत होगी यहाँ पर? वो तो हर साल ही भरा। क्या कारण क्या है इसका? कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? हाँ, पूरे परिवार। कितने परिवार रहते होंगे? कितने घर बने यहाँ पे लगभग? 4-5 घर बने। अभी कहाँ रहती हैं आप? पूरनपुरा गली नंबर 4 शनि मंदिर के पास। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? पानी भराता है जी। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहिए। तो पानी क्यों बंद हो गया यहाँ पे? पानी जो बाउंड्री की वजह से बंद हो गया पानी। इधर से निकलता था, अब नहीं निकलता। सुरेश विश्वकर्मा। कहाँ रहते हैं? पूरनपुरा गली नंबर 4। ये कौन सा स्थान है? ये शनिदेव का स्थान है। अच्छा, क्या दिक्कत है यहाँ पर? मंदिर में पानी भरा रहा है, बाउंड्री है, बाउंड्री की वजह से दिक्कत ज़्यादा हो रही है। गंदगी पूरी हो रही है मंदिर में। कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पे? कम से कम 5-7-8 घर हैं। पानी निकासी क्यों नहीं हो पा रही है? बाउंड्री है। कितने वर्षों से दिक्कत हो रही है यहाँ पर? कम से कम 4 साल से। संबंधित अधिकारी या पार्षद को शिकायत की आपने? सबसे शिकायत की, कोई नहीं सुन रहा। किसानों द्वारा धान की फसल लेने की तैयारियां की जा रही हैं। धान के पौधे रोपने के लिए लेबर बाहर से आती है। आज देखने में आया कि विदिशा रेलवे स्टेशन पर उमरिया, शहडोल और सतना से बड़ी संख्या में मजदूर आए जो धान की फसल की तैयारियां किसानों के खेतों में करेंगे। कहाँ रहते हो आप? मैं तो रहता हूँ मैयर। मैयर, क्या यहाँ पर कहाँ पर आए? यहाँ पर आए अपन काय के लिए धान लगाने। कितने लोग आए होंगे? कितने लोग आए? 15-20 आदमी। 15-20। हम रवि केवट। रवि केवट जी, कहाँ के रहने वाले आप? मैं ग्राम नौतिया से। क्या कार्य करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। ये जो लेबर आई, कहाँ से आई है? ये आई है मैयर से। कितनी लेबर आई है? ये लगभग 70-80 आदमी होंगे। काय के लिए? धान लगाने। धान लगाने, क्या हिसाब से लगाते हैं धान? ये ठेका से भी लगाते हैं और मजदूरी से भी लगाते हैं। कितने वर्षों से आ रहे हैं आपके पास? ये 15 वर्षों से आ रहे हैं। विदिशा में क्या लेबर नहीं मिलती क्या? नहीं, वो क्या इनके लगाने का तरीका अलग होता है और अपने इधर का अलग अलग तरीका होता है। हाँ, तो ये इकट्ठे आते हैं, वहाँ पे रुक के पूरा काम शुरू से लेकर आगे तक ख़त्म करके ही जाते हैं।
और यहाँ पे अगर अपन करवाओ तो कितने दिनों के लिए आए लोग? ये तो महीने डेढ़ महीने जब तक काम। जिला मुख्यालय के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में पहली बारिश से ही स्कूल भवन की पोल खुल गई। वहीं देखने में आया कि स्कूल के चारों ओर पानी ही पानी नजर आया। विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था भी भंग नजर आई। स्कूल प्रबंधन भी परेशान रहा। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पर पहली वर्षा का असर कैसा रहा देखिए आप। अरे यार मैं तो ये छोटा सा कर्मचारी हूँ। मैं कब तक किया विदिशा के प्राचार्य इंदुमती प्रभारी प्राचार्य इंदुमती खरे। अभी हल्की सी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन स्कूल के प्रवेश द्वार से लेकर अंदर भी जो पानी भरा हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था है इसके लिए? हमारे यहाँ से एक नाली की व्यवस्था होना चाहिए। नगर पालिका को हमने पत्र लिख दिया है और आज सुबह भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बात भी हुई है कि नाली जो बनी हुई है उसकी सफाई करवा दी जाए और जिससे पानी की निकासी हो जाए, तो पानी शायद ना भरे। इस विद्यालय में शुरू से पानी भर रहा है, तो नगर पालिका अध्यक्ष जी भी यहाँ सर्वे कर चुके हैं, आ चुके हैं। कलेक्टर महोदय भी एक बार आ चुके हैं कि इसमें से एक कोई सा ऐसा उपाय हो जाए कि पानी की निकासी, इंदिरा कॉम्प्लेक्स की तरफ से एक नाला बनने का प्लानिंग है, वहाँ से यदि हो जाएगा तो शायद पानी ये भरेगा नहीं। मैडम अभी स्कूल लगना प्रारंभ हुआ है? अभी स्कूल लगना 20 जून से शुरू हो गए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे रुक जाना नहीं, परीक्षा दोनों शिफ्ट में चल रही है, तो अलग अलग क्लासेस को अलग अलग टाइम पे बुलाया जा रहा है। लगभग इस स्कूल के अंदर कितने छात्राएं पढ़ते हैं, करते हैं? अभी आज की स्थिति में हमारे यहाँ जो प्रवेश हो चुके हैं 1024 बच्चे के प्रवेश हो चुके हैं। मतलब 1000 हो चुके हैं, लेकिन एक ही बच्चा के लिए यहाँ पर बैठने के लिए उचित स्थान नहीं है, उसके लिए अपन और क्या प्रयास कर सकते हैं? पानी गिरने पे थोड़ी सी असुविधा हो रही है, पानी की निकासी नहीं होने के कारण बच्चों को विद्यालय में बैठने में थोड़ी असुविधा होती है, तो जिस दिन बाद ज़्यादा पानी भर जाता है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को, आज भी बच्चों को जैसे क्लास थी तो बच्चों को सुबह मैसेज कर दिया था कि पानी भर गया है तो नहीं आए। वैसे हमारे विद्यालय में पूरे बच्चे बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं। स्कूल में कितने रूम हैं? श्री शर्मा जी कौन से स्कूल है ये? उत्कृष्ट विद्यालय। उत्कृष्ट में क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? आज पानी भर गया सुबह से, तो आज पहला पानी गिरा है और ये स्थिति निर्मित हो रही है, कमरों में रूमों में पानी भरेगा तो आगे क्या होगा? हर साल भर जाता है, तो फिर इसकी क्या पुख्ता इंतजाम होंगे? इसके पुख्ता इंतजाम तो शासन नहीं कर पाएगा। शासन नहीं कर पाएगा, ऐसे में क्या परेशानी हो रही है आपको, स्टाफ को, स्कूल के बच्चों को? स्टाफ को इसके पानी भर जाता है तो बच्चे भी नहीं आ पाते, स्कूल स्टाफ को आ जाता है, क्लासेस लगाने मुश्किल होती है। कहाँ रहते हैं? उदयपुर। क्या करते हैं? उदयपुर टीचर। टीचर हो आप? कहाँ पर आए हुए थे आप? मैं बोर्ड की एमसीएच लेने आया था। तो क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? दिक्कत ये हो रही, घुटने घुटने निकल के जाना पड़ा। कौन सा स्कूल है ये? ये एक्सीलेंस विदिशा। जब जिले मुख्यालय पर ऐसे आलम है तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा? हमारे इधर तो सर एक बूंद का पड़ती है तो दिखाते हैं कि ये बूंद पानी जब आ रहा है तो नाला बह रहा है। अच्छा, पूरे रूमों में भी अंदर पानी भरा है। वार्ड क्रमांक 11 और 12 के बीच बनी रोड का नजारा देखिए आप। यहाँ से आवागमन बड़ी संख्या में होता है, वहीं एक बड़ा नाला भी खुदा पड़ा है। क्षेत्र की बदहाली के शिकार लोगों का क्या कहना है सुनिए आप। बिल्कुल
कहाँ रहती हैं आप? सिंधी कॉलोनी झंडापुरा। यहाँ पर क्या स्थिति है? जी स्थिति दुख तो रही है सामने। कैसा क्या है? हम दुकानदारी भी नहीं बैठ पा रहे हैं, पत्थर उचट उचट के आ रहा है, जरा सा पानी गिरा और पूरे घर में पानी भरा है। कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पर? इतना परिवार तो है, बच्चे देखो कितने परेशान हो रहे हैं, स्कूल जाने आने वाले भी, रास्ता गीर भी, सभी परेशान है, पूरे नाले भरे हुए पड़े हैं। नाला कब से जाम पड़ा है? पूरा जाम पड़ा है। कितने दिन हो गए नाले को जाम को? वो तो हमेशा ही जाम है, हर बारिश में यही हाल हो रहा है। ये मार्ग सीधा सिंधी कॉलोनी तक जाता है, लेकिन कई बार धरने आंदोलन के बाद भी शायद प्रशासन की जू नहीं रेंग रही है, एक बड़ा धरना आंदोलन करना पड़ेगा। यहाँ के नाले पूरे जाम पड़े हुए हैं, घरों की स्थिति यह है कि घरों के बाहर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, ना तो वहाँ चूड़ी डलवाई जाती है, और इस तरह से पूरे घरों का कारोबार खराब होता है, उनका घर आने जाना खराब होता है। मतलब बड़ी परेशानी की स्थिति, ऐसा लगता है कि हम नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी गाँव खेड़े में हैं। विदिशा तो हमको लगता नहीं कि विदिशा के अंदर रहते हैं। ये स्थिति कब से निर्मित है? ये कई वर्षों से है, ये जब जब भी थोड़ा बहुत भी पानी गिरता है ये रोड पूर्ण रूप से पानी में भरा जाता है, बच्चे स्कूल कैसे जाएं, जाम की स्थिति बनी रहती है, गाड़ी घोड़े निकल नहीं पाते हैं। हम लोग व्यापारी हैं, कभी 5-6 बार निकलना पड़ता है, लेकिन बड़ी परेशानी की स्थिति है। प्रशासन नगरपालिका अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी नगर पालिका प्रशासनिक कई बार एप्लीकेशन लगाई है, कई बार धरने दिए हैं, लेकिन उनको जू नहीं रेंगती है। मैं प्रशासन से फिर निवेदन करता हूँ कि इस तरीके का अगर आपने रवैया अपनाया तो मैं बड़ा आंदोलन यहाँ झंडापुरा सिंधी कॉलोनी के गेट पर करना पड़ेगा, जिसके लिए आप जिम्मेदार हो गए, हम जिम्मेदार नहीं है। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान कई स्थानों पर दबिश दी गई। डंडारपुरा क्षेत्र से एक व्यक्ति को गांजा सहित पकड़ा, वहीं बक्सरिया क्षेत्र में एक महिला को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा नगर के अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 7 लोगों को अवैध शराब के साथ पकड़ा, उनके पास से 120 क्वार्टर जब्त किए, 1.5 लीटर शराब के साथ अन्य आरोपी को भी पकड़ा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले लोगों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की, एवं एक ऑटो चालक जो कि शराब के नशे में धुत था, उसके पास चाकू मिलने पर 25 आर्म एक्ट की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। TI आशुतोष सिंह ने दी जानकारी। पुलिस की सक्रियता के चलते आरोपियों को धरा गया। पखवाड़ा के अंतर्गत लगातार कार्रवाई करने के निर्देशित किया गया था। कल कोतवाली पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन में टीम बनाकर टीम गठित की गई थी विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें गया, जिसमें 2 एनटीपीसी कार्रवाई हुई, जिसमें एक डेयरी डंडापुरा डेयरी से आरोपी रामबाबू विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया, बक्सरिया में एक महिला को गिरफ्तार, गांजा व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, दोनों को जेल भेज दिया गया। इसी तारतम्य में कल 7 आबकारी प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिन पर विधिवत कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी तारतम्य में कल रात में गश्त के दौरान एक व्यक्ति चाकू लिए घूम रहा था ऑटो से शराब पीकर, उस पर कार्रवाई की गई है, शराब ऑटो में जब्त किया गया और चाकू जब्त किया गया, आरोपी को जेल भेज दिया गया। और कल नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय और गर्ल्स स्कूल के आसपास जो गुमटियाँ जो बच्चों को सिगरेट वगैरह तंबाकू उनको कोर्ट पैक के तहत 9 कार्रवाई की गई है, उन पर 9 लोगों कार्रवाई, लोगों को जागरूक भी किया गया वहाँ पर नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत। सर, इसमें लगभग कितनी टीम है और कौन कौन का मुख्य भूमिका इसमें रोल अदा रहा? कल पूरे थाने की टीम को सुबह से ही लगा दिया गया था, समस्त अधिकारी कर्मचारियों का उल्लेखनीय योगदान रहा। इस पूरी टीम में टीम गठित की गई थी, विभिन्न टीम में लगभग थाने के सभी कर्मचारी। आबकारी एक्ट के तहत टोटल कितनी शराब जब्त की गई होगी? आबकारी एक्ट के तहत 120 क्वार्टर और 5 लीटर देसी शराब, कच्ची शराब थी। सर, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी? मार्केट वैल्यू लगभग 15,000 या 20,000 के आसपास होगा। कार्रवाई चल रही, क्या निरंतर चलती रहेगी? निश्चित रूप से नशा के अंतर्गत जो कार्रवाई की गई है NDPS के तहत और शराब के तहत, आप सूचना दें और आमजन से भी अपील करते हैं। आप मेरा नंबर भी विभिन्न अखबारों में भी है और आपको आपके माध्यम से आप सर्कुलेट करें, कोई भी इस तरह की गतिविधि होती है अवैधानिक गतिविधि तत्काल सूचना दें, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और नशे से दूर रहने के लिए भी मेरी अपील है, युवाओं को परिजन अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, नशे से दूर रखने का पूरा प्रयास करें। लगातार इसके लिए सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में निरंतर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, हमारे द्वारा विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में जाके इसकी लोगों को जागरूक किया जाता है। मेरे आपके माध्यम से अनुरोध है, नशे सभी लोग दूर रहें और परिवार भी अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें।
सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वाले पर भी कुछ कार्रवाई की गई? निरंतर कार्रवाई की जा रही है। सार्वजनिक स्थान पर भी कल 6 लोगों पर कार्रवाई की गई, इस तरह लगातार कार्रवाई की जाएगी। और शराब पीकर वाहन चलाना लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। कल भी एक ऑटो जब्त किया गया शराब पीकर वाहन चलाने वालों की, जिससे दुर्घटनाएं होने की पूरी संभावना रहती है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। आपने कहा कि नंबर जारी कर दिया गया, आप उसको सूची हो, लेकिन देखा जाता है कि आम जनता ऐसे अपराधियों से सूचना देना तो चाहती है, लेकिन डरती है कहीं उसका नाम हो जाएगा नहीं, उसके लिए फिर क्या प्रयास करेंगे? पूरा नाम गोपनीय रखा जाता है, आप मेरे व्यक्तिगत रूप से सूचना दें। मेरा नंबर विभिन्न अखबारों में भी है, और वो कंट्रोल रूम के नंबर है, कोतवाली का नंबर है, जो हर बार अपन सर्कुलेट भी करते हैं, तो उनमें भी आपका नंबर है, आपका नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाता है। जो कार्रवाई की गई किसी का नाम ओपन नहीं होता है। SSL जैन PG कॉलेज में स्वर्गीय सोहेल जैन की स्मृति में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी स्वर्गीय सोहेल जैन की फोटो के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण हुआ। इस मौके पर स्वर्गीय सोहेल जैन के परिजनों सहित कॉलेज प्रबंधन व नगर के वरिष्ठ व गणमान्य भी उपस्थित रहे। वहीं 33 यूनिट रक्तदान भी हुआ, जो जरूरतमंदों के काम आएगा। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मंजू जैन ने दी जानकारी। ऐसा पुलिस का महाविद्यालय प्रांगण में हो रहा है, मैं अभी खुश हूँ
मैं धन्यवाद सब लोगों का धन्यवाद। रक्तदान है जीवन दान, जिससे हो समाज कल्याण। रक्त ही व्यक्ति की पहचान है, प्रकृति का दिव्य वरदान। जिसे दान करके मानव हो जाता स्वयं भगवान। रक्तदान है जीवन दान, रक्तदान से बढ़ती साख मिलती एक नई पहचान। रक्तदान में देखो भैया मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान। रक्तदान है जीवन दान, जिससे हो समाज कल्याण। स्वच्छ हो हमारा खान पान, जैसे संगीत में सुरतान। रक्तदान से बचती जान, मिलता समाज में सम्मान। रक्तदान है और 9वें वर्ष हम ये रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज है जिसे को किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, जो मानव में ही निर्मित होता है। मानव ही इसका दान कर सकता है, इससे हजारों की जिंदगी बच सकती है। इसलिए ये पुण्य का कार्य हम लोग हर वर्ष आयोजित करते हैं। इसके साथ ही हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करते हैं। बहुत अच्छा बगीचा हमने डेवलप किया है, एक बगीचा और डेवलप कर रहे हैं। तो सभी सम्माननीय सदस्य हमारे यहाँ आमंत्रित होते हैं, सिविल सर्जन भी आते हैं, और जो रक्तदान प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी भी यहाँ आए थे, डॉक्टर नवीन शर्मा जितने सीनियर होके उन्होंने भी रक्तदान दिया यहाँ पर, और बहुत बढ़ चढ़कर भाग सभी लोग ले रहे हैं। और करीब करीब 35 यूनिट का यहाँ रक्तदान हो चुका है अभी तक, और जारी है। और इसके बाद भी बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ के जो लाका वाइवा एग्जाम दे रहे हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं, तो उनके नाम भी यहाँ ले लिए जाएंगे, तो यहाँ उनका रक्तदान करवाया जाएगा, या फिर हॉस्पिटल में जाकर भी वो रक्तदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने रक्तदान के ऊपर इस वर्ष निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया, और स्वरचित कविता पाठ रक्तदान के महत्व के बारे में दर्शाया बच्चों ने, और उसमें तीन खबरों से रहिएगा अपडेट, देखते रहिएगा दिल्ली से एनटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। ही शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर एनटी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर सबसे पहले।